अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं कि घर पे स्किन कैसे क्लीन करेंगे हम, और कैसे इसकी डर्ट सारी रिमूव करेंगे, और कैसे अपनी स्किन को बनाएंगे पॉलर जैसा ग्लोई और चमकता दमकता साफ चेहरा। ये ले लिया मैंने खाली बोल। अब इसमें बनाएंगे हम स्किन पॉलिश, और मेक श्योर कि ज़्यादा तेज़ नहीं बनानी स्किन पॉलिश। मैं मिक्स करती हूँ, आपके सामने देखिएगा। मेरे पास पड़ा हुआ था ये गोल्ड पाउडर, थोड़ा सा ये ऐड करूंगी मैं, ज्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो मुंह साफ होने के बजाय लाल हो जाएगा। लाल नहीं करना। थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करेंगे हम इसमें। ये मेरे पास रोज वाटर है सईद गनी का। मुझे इनकी हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी लगती हैं। मेरे स्किन पे एक्ने देख रहे हैं आप? थोड़ी हर वक्त ही रहती है, पर अभी थोड़ी सी है। आहा, रोज़ वाटर की खुशबू। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके फ़ौरन से अप्लाई नहीं करने करेंगे, 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे इसको, ज़रा सा फ्लफ़ी होने देंगे। सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि ये देखें, मैंने ब्लीच लगा लगा के आगे आगे से बाल सारे अपने वाइट कर लिए। तो जिस जगह आपको एलर्जी हो जाती है उस जगह आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना, ऑयली कर लेना उस जगह को। मेरी चीक्स पे भी हो जाती है यहाँ से, और नोज़ भी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ये लगा लिए ताकि मुंह मेरा अजीब सा ना हो जाए। और आगे आगे यहाँ भी लगा लेंगे। यहाँ पे स्किन पॉलिश का असर होगा पर कम होगा। और ये इतनी जल्दी सर के बाल होते नहीं है ब्लॉन्ड। यहाँ मैंने लगा ली है, मेरी यही सेंसिटिव एरिया है, ये दोनों और नाक। भाइयों, जब बहनों भाइयों, जब भी मुंह साफ करो तो गर्दन जरूर करो। गर्दन क्या भाड़े पे ली है? हाँ ना भाई, मुंह साफ कर लेंगे। इसीलिए मैंने एक पुरानी सी टी शर्ट पहनी है उमर की, ताकि गर्दन पे भी जब मैं लगाऊं तो खराब ना हो कपड़े। हाँ जी, तो ये यहाँ लग चुकी है। ब्लीच हमेशा जब भी करें सिर्फ 10 मिनट के लिए अप्लाई करें फेस पे। जो ये ओवर रिजल्ट के लिए हम इसको ओवर टाइम लगा देते हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती। 10 मिनट बाद ब्लीच अपना काम उल्टा करना शुरू कर देती है, रिवर्स हो जाती है। जो उसने सफाई की होती है ना, वो दोबारा गंदी कर देती है। 10 मिनट बाद फेस वॉश करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। रोज वाटर से हाथ गीले करेंगे और ऐसे रोटेटरी, ऐसे सर्कुलर मोशन में, ऐसे 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 सॉफ्ट, ऐसे नाक को ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। हाथ बहुत ही सॉफ्ट रखना है फेस पे, ऐसे 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 ऐसे, इन 2 फिंगर्स से। फिर ऐसे करना, ऐसे लेनी है और उनको ऐसे 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 एटलीस्ट 5। हाथ वेट करते रहे साथ साथ। ये देखें, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में करना। ऐसे ऐसे फिर ऐसे करना, ये 2 फिंगर्स लेके यूं यूं फिर यूं।
5 मिनट्स हो गए, कंप्लीट हो गया, सारे स्टेप्स बार बार आपने रिपीट करते रहना। अब इसको क्लीन, क्लींजिंग तो हो गई, सॉफ्ट हो गया होगा सारा पोर्शन। अब इसका ऐसे करना है, हल्के हाथ से प्रेस करते जाना, जो सॉफ्ट हो चुके होंगे ब्लैक हेड्स और निकल आएंगे। बस ब्लैक हेड स्ट्रिप पड़ी हुई थी, ये नाक पे लगा लेते हैं कि जो अगर नहीं आए पिन में वो इससे उतर जाएंगे। नोज को थोड़ा सा वेट करेंगे, पूरा फेस ही कर लेते हैं, नीट हो जाएगा। इसको ऐसे रखना है, ये यहाँ और ऐसे है। चिपक नहीं, 2 सेकंड चिपका के आती हूँ। रोज़ वाटर वैसे ही फ्रिज में रखा करें और आते जाते इस रोज़ वाटर को स्प्रे किया करें, इससे पोर्स भी बंद होते हैं और स्किन भी बड़ी फ्रेश रहती है। ये उस तरह से नहीं चिपकी, इस तरह से चिपकी। अच्छा जी, अब इसको लगे 10 मिनट हो गए, तो इसको उतार लेते हैं। चिपकी हुई है, चिपकी हुई है। अब जी बारी है लास्ट स्टेप की, मास्क लगाएंगे, मड मास्क। सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन है मड मास्क। काश मेरे पास अपनी पुरानी पिक्चर होती, मेरे फेस पे इतनी ज्यादा एक्नी थी और मैंने सिर्फ इसी मड मास्क को रोज वाटर से कंट्रोल की अपनी एक्नी। सारे बाल गंदे हो गए, इसके बाद नहाना तो वैसे ही पड़ेगा क्योंकि क्रीम क्रीम हो चुके हैं बाल, कान। अच्छे से लगा के इसको ड्राई होने तक रहने देंगे ऐसे ही फेस पे। और इसको आंखों के नीचे लग गया, साफ करती हूँ। इसको कभी भी रगड़ रगड़ कर नहीं उतारना, हाथ गीले करने रोज़ वाटर से और क्लिंजिंग करके इसको पूरा सॉफ्ट कर देना, फिर ठंडे पानी से वॉश करना है। फेस पे कभी भी गर्म पानी मत यूज़ करें, पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन सारी ख़राब हो जाती है। सर्दी हो गर्मी हो, फेस हमेशा ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी कभी भी फेस पे मत यूज़ करें। बड़े मज़े की बात बता रही हूँ, मज़े की भी और पते की भी। स्किन तो साफ हो गई है, इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको कल मिलेगा, मतलब एक दिन बाद स्किन ज़्यादा ग्लो करती है मेरी तो अच्छी, मतलब मुझे तो रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं इसके। आप लोग भी घर पे करें भाई, बजट फ्रेंडली है, पार्लर जाके बैठना नहीं पड़ता और घर की बिजी रूटीन से आप अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। लगा लिए, अब जिस तरह से मैंने बताया क्लिंजिंग करते हुए इसको रिमूव करना है वैसे ही करना। वॉश करके फेस दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, मड मास्क रिमूव कर लिया और ग्लो देख सकते हैं आप नाक पे यहाँ, मतलब घर पर रहकर पॉलर जैसा ग्लो आ गया जी।
चलें जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फॉलो करिएगा, बेल का आइकन को नहीं, ब्ले, ब्ले, क्या हो गया बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइम पे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये है फाइज़ा ब्यूटी क्रीम 22-31-90।